सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं उत्तर भारत के पेरियार, जिसे पूरा दुनिया जानता है, पेरियार ललई सिंह यादव जी के गांव में। ये उनका गांव है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने जब उनका इतिहास पढ़ा, उनका संघर्ष जाना, तो सारे लोगों ने मिलकर के उनकी स्टैचू लगाई, आप देख सकते हैं। और ऊपर लिखा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेरियार ललई सिंह यादव जी का ये गांव है। हालांकि ग्राम पंचायत ने प्रॉपर्टी बनाई है और उसी में सभी लोगों ने मिलकर के इस प्रतिमा को स्थापित किया है। मैं बताना चाहता हूँ, ये गाँव कानपुर देहात में पड़ता है, औरैया बॉर्डर पर, औरैया जनपद के बॉर्डर से टच करता है। झिझक में इन्होंने अशोका प्रेस खोला हुआ था, जो आज बंद हो गया है, आज चूंकि वो हमारे बीच में नहीं है। और उनका परिवार जो गांव में रहता था, चौधरी गज्जो सिंह यादव उनके पिता थे और माता मूला देवी उनकी माता थी। उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड में पहले नौकरी की, इसके बाद वह मध्य प्रदेश में सिपाही रहे। और उन्होंने उस समय जब सिपाहियों पर जुर्म होता हुआ देखा, तो सिपाहियों के खिलाफ, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ एक किताब लिखी। धीरे धीरे उनका रुझान, चूंकि वो आर्य समाजी परिवार से ताल्लुकात रखते थे, देवी देवताओं की पूजा वैसे ही नहीं करते थे, धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि एक शोषक बहुत सारे लोगों का शोषण कर रहा है, तो उन्होंने स्वतंत्रता अपने जीवन में स्थापित करते हुए आम जनमानस को स्वतंत्र करने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई, जो हमें स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और आज़ादी की राह दिखाती है। इतना ही नहीं, जब वह अपने ग्रस्त जीवन से निवृत्त हो जाते हैं, नौकरियों से भी निवृत्त हो जाते हैं, फिर वह समाज सेवी बन जाते हैं, आंदोलनकारी बन जाते हैं। कहा जाता है कि अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर चला करते थे। कुछ लोग ये बताते हैं कि कुल्हाड़ी वो इसलिए रखा करते थे कि अगर कोई हमें सताता है और हमें द्रवित करता है, परेशान करता है, तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब दें, ऐसी उनकी मान्यता थी। आज मैं उनके गांव में हूं और हमारे साथ रघुराज सिंह यादव जी हैं, जो किताब उनके द्वारा हिंदी में अनुवाद की गई, पेरियार रामास्वामी नायकर की किताब सच्ची रामायण हिंदी में, उसके आप प्रकाशक रहे हैं। और जितनी भी किताबें, 10 किताबें उनके द्वारा लिखी गई, उनके सबकी आप प्रकाशक रहे हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जब उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया सच्ची रामायण का, तो उस किताब को छापने के लिए कोई प्रकाशक तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी खुद की जमीन और अपने लोगों से पैसा इकट्ठा करके खुद का अशोका प्रकाशन डेवलप किया, उसमें आपने एज ए प्रकाशक किताबें छापी। बाद में जब वो नहीं रहे, तो उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के जयन आदित्य जी को अपना जो भी प्रकाशन का सामग्री थी वो दे दी। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, आज मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ, बात यह है कि जब सच्ची रामायण लिखी गई हिंदी में, तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कोहराम मच जाता है और सभी लोगों ने आवाज़ लगाई कि इस सच्ची रामायण को बंद कराना चाहिए। केस किया गया इनके खिलाफ, बंद जब्त कर लिया गया, केस कर दिया गया, रोक लगा दी गई। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया, वहाँ से इन्हें मान सम्मान नहीं मिला। इसके बाद ये हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में 1970 में हाई कोर्टों के जजों ने कहा कि पेरियार ललई सिंह यादव अपीलांट बिल्कुल सत्य हैं, सही हैं, उनकी ये किताब उन्हें वापस दी जाए, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है। अर्थात वो किताब वापस दे दी गई। और इतना ही नहीं, हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें 300 रुपये, मतलब कह सकते हैं कि सम्मान स्वरूप राशि दी गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज मैं उनके गांव में पहुंचा हूं, बिल्कुल विकास नहीं है। यादव परिवार की अगर बात की जाए, तो बीपी मंडल का नाम आता है, राम नरेश पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम आता है, माननीय मुलायम सिंह जी का नाम आता है, अखिलेश यादव का नाम आता है, लालू प्रसाद यादव का नाम आता है, और भी देश भारत में बड़े बड़े यादव नेता हुए हैं। उन्होंने राजनीति के माध्यम से परिवर्तन करना चाहा। उनका घर देख लीजिए, उनका परिवार देख लीजिए और उनके चेहरे की चमक देख लीजिए, उनकी स्थापित संस्कृति की एक पराकाष्ठा देख लीजिए। लेकिन ललई सिंह यादव ने सामाजिक न्याय के माध्यम से समाज सेवा की, धर्म का काम किया, अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों पर कुठाराघात किया, तो आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। मैं अपील करता हूँ कि देश भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, अगर वो ललई सिंह यादव के कामों से प्रभावित हैं
और उन्होंने अगर ऐतिहासिक काम किया है, वो बहुजनों के महानायक हैं, तो एक बार उनके गांव में आएं और इस मूर्ति पर आकर के पुष्प अर्पित करें। मैं अपील करता हूं कि यहां उनके नाम से एक प्राइमरी स्कूल बनना चाहिए, उनके नाम से इंटर कॉलेज बनना चाहिए, उनके नाम से डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, उनके नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए। अगर आगे सरकार अगर सरकार हमारी बात मानी तो हम अपील करेंगे कि ललित सिंह यादव को जिंदा किया जाए। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो असाधारण व्यक्ति थे, मानव जाति के लिए और मानवता के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आज उनके गांव में आकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके बहुत गौरवान्वित हूं और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको भी गौरव की अनुभूति हो रही होगी। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय संविधान। जय श्रमण भारत।